नवाज शरीफ को जो एंजाइना की दर्द होती है उसके साथ साथ किडनी के ऊपर उनका बड़ा इफेक्ट हुआ है, उनको शदीद इस बात का भी खदशा मौजूद है कि कहीं उनको डायलिसिस की तरफ न जाना पड़ जाए। और पिछले दिनों मियां नवाज शरीफ ने सुपरिटेंडेंट जेल से बड़ी अहम खबर आपसे मैं शेयर कर रहा हूं कि उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल को बुलाया और अपने पास खड़े होकर कहा कि मैं मुल्क का वजीर आजम रहा हूं तीन बार, अगर मेरा फौरी अचानक डेथ हो जाए मेरी तो मेरी डेड बॉडी को जल्दी तो घर पहुंचा देना और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फौरी पूरी कर लेना, उसको ज्यादा ताखीर तक न रखना। ये इस सूरत हाल अभी नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, जिसके हवाले से मरीम नवाज जो उनकी बेटी है वो भी इस तशवीश का इजहार कर रही है और बाकी जो डॉक्टर्स हैं कुछ हमारे उन जरा से भी बात हुई डॉक्टर्स से जो हुकूमत पंजाब के पैनल पर भी लोग मौजूद हैं वो भी इस वक्त लगता यह है कि बेबस दिखाई देते हैं क्योंकि मियां नवाज शरीफ को अगर रिकमेंड किया जाता है इलाज के लिए तो शायद एक दबाव का सामना करना पड़ सकता है जो मेडिकल बोर्ड बना हुआ है। ये एक खबर थी जो आज आपसे शेयर करनी मकसूद है। इंशाल्लाह आप तक मजीद जो खबरें हैं मुल्की सियासत के हवाले से वो भी आपको यहां से सुनने को देखने को मिलती रहेंगी।